देखो भाई किसान भाई देख सकते हैं आप। और अब जो है विकास भाई से बोलने पर बढ़िया कॉलेज की रोड में देखिए देखिए किसान भाई किसान भाइयों, आपने ट्रैक्टर के पीछे काफी ट्रॉली देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बाइक के पीछे ट्रॉली। देख सकते हैं आप और क्या क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं, कितनी कीमत होने वाली है इसकी और क्या इसकी क्वालिटी है, मोटरसाइकिल इसे कैसे चलाती है कैसे नहीं चलाती, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास सर। नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है, आप बताइए। बहुत बढ़िया, और बताओ जी। बढ़िया तो हो, लेकिन अब मैं बात करता हूँ, आप ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली तो आई है मेरी, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई जो बाइक के पीछे ट्रॉली लगा दी? बाइक के पीछे ट्रॉली की इसी वजह से जरूरत पड़ गई। अब पेट्रोल और डीजल तो हो गया है महंगा जी। अब ये आपको 4-5 क्विंटल अगर वजन उठाना है घर का, यानी गोबर उठाना है, खाद के कट्टे ले जाने हैं, डाई ले जाने, उसके लिए ट्रैक्टर स्टार्ट करोगे बरसात में? यह बात भी आपकी सही है। सीधी सी बात है, बाइक घर घर में होती है, बाइक के पीछे जुगाड़ लगा दिया है, ये ट्रॉली जुगाड़ बना दिया जी। मतलब बाइक के पीछे वाला हिज जो है ये लगाना है और इसके पीछे ट्रॉली लग जाएगी। 5 क्विंटल तक आराम से कैसे भी सामान ले जाओ, 5 क्विंटल तक सामान ले जाएगी। और कहाँ कहाँ यूज कर सकता है मेरा किसान भाई से? इसको आप घर के काम में जी, चारा लाने में जी, गोबर ढोने में जी, और जो हमारे रेडी पटरी वाले होते हैं उसको बिजनेस करने में, कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, बाइक के पीछे लगा के भाड़ा कर सकते हो, बहुत सारे काम है। ठीक है, और ये क्वालिटी में बहुत जबरदस्त है, इसमें 4 पहिए लगा दिए गए हैं जी। पहिए किस क्वालिटी के दिए हैं आपने? पहिए बेहतरीन क्वालिटी के, जो एक्टिवा स्कूटी आती है उसके ओरिजिनल नए पहिए हैं जी। जी ठीक है, और इसमें जो चादर का इस्तेमाल किया गया है 18 गेज की चादर है। 18 गेज की चादर है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, 1.25 क्विंटल इसमें वजन है जी। और इस हमारी ट्रॉली की जो खास बात है, सबसे ज्यादा जी, ये सबसे ज्यादा क्यों बिकती है जी, बाइक पर लेके चलोगे ना जी तो बिल्कुल भी झोंक नहीं मारती जी, मतलब वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ अभी अब मैं आपको देखो चला के दिखा देता हूँ जी, ये आप देख लो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, झोंक नहीं मारती। होनी नहीं चाहिए विकास भाई, बिल्कुल भी आराम से आप कैसे भी चला सकते हो इसको जी। देखो भाई किसान भाई घूम सकती है, देख सकते हैं आप। और अब जो है विकास भाई से मोड़ने पाले, देख सकते हैं कितनी आसानी से मुड़ गई। ये देखो कितनी बढ़िया कार्टेज की, इसी रोड पे एक झटके में घूम जाएगी ये देखो। देखिए भाई, देखिए किसान भाइयों, ये देखो आराम से घूम जाएगी आराम। अरे रेल सी बना दी, रेल सी। विकास भाई अब बात करता हूं मैं, जब ये ट्रॉली जो है बाइक के पीछे चलेगी तो बाइक कितना पेट्रोल लेगी? जितना बाइक 3 आदमियों को बैठा के पेट्रोल लेती है ना जी, उतना ही ये पूरा फिट करके आदमी भर लेना या 5 क्विंटल वजन भर लेना जी, उतना ही पेट्रोल लेगी। इसी वजह से क्या है ना, इसमें 2-4 पहिए लगाए हुए हैं जी। ठीक है, पेट्रोल का कुछ भी इसमें फालतू या ज्यादा नहीं बढ़ने वाला सिस्टम जी। जी तो मैंने देखा है कि ऐसी ट्रॉली और भी बनती है, लेकिन उनमें 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए तो आपने 4 पहिए क्यों लगा दिए? 2 पहिए वाली कामयाब नहीं है भाई साहब ट्रॉली। 2 पहिए से क्या है ना, झोंक मारता है जी, और क्या है ना बाइक 1-2 क्विंटल ही वजन उठाती है, और उसमें क्या है ना एक्सीडेंट का खतरा होता है जी। हमेशा किसी से भी लो जो ट्रॉली लेनी है 4 पहियों वाली लेनी है जी। जैसे कि आपने अभी बिल्कुल दिखाया बबीता, बाइक को बिल्कुल जगह पर मोड़ कर भी दिखाया, तो उसमें कोई झोंक नहीं हुई? कोई झोंक नहीं है जी। और जैसे अब मैं बात करता हूँ, इसमें आपने टूल बॉक्स भी दे दिया है, बिल्कुल इसमें अपना मोबाइल सोबाइल रख लो किसान भाई, अपना पौवा सोवा रखना तो वो भी रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मोबाइल सोबाइल पौवा सोवा सब आ जाएगा इसमें, रोटी वोटी जी देख लो, बंद कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब जी। ये और ये क्या सिस्टम है, वृक्ष लगाओ जी और कल बढ़ाओ। ये क्या है ना, जो गांव के किसान चेरी और जवार बोते हैं ना जी, तो बड़ी बड़ी हो जाती है जी, तो इसको क्या है ना ऊंचा कर लो जी, तो ये क्या है ना नीचे पीछे नहीं अड़ेगी, मतलब पीछे अड़ेगी नहीं, इस वजह दिया है बड़ा करके जी, मतलब ऊंचा कर ले। और जो वो बाजरा लाता है, बाजरा और चेरी, तो बड़ी हो जाती है, पीछे नहीं लगेगी। ये देखो जी, ठीक है ना, देख सकते हैं किसान भाइयों, ऐसे मतलब ऊंची हो जाती है, कर लो जी जी, ऊंची हो जाएगी अपना आसानी से काम जी। ये और इसमें जो आपने मटेरियल यूज किया, वो किस तरह का मटेरियल यूज किया है? ये इसमें 18 गेज की चादर है, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ से अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि आगे आपने हिस्तो लगा दिया, ये इसकी क्या मजबूती दी है, क्योंकि यह मजबूत होना बहुत जरूरी है। देख लो भाई साहब, यही है ना टाटा का लोहा लगा हुआ, इसमें देख लो कितनी मजबूत इसमें फ्रेम लगे हुए हैं जी, पूरी गारंटी है 1 साल की, पूरी गारंटी है 1 साल की देख लो जी। और यहाँ पर आप एक्सल भी देख सकते हैं, किसान तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं होगा जी।
तो अब बात करता हूँ, मेरा कोई किसान भाई से लेना चाहता है तो उसे मिल सकती है नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई साहब, बिल्कुल मिलेगी। डिलीवरी है, घर पहुंचा दोगे? घर पहुंचा देंगे ट्रांसपोर्ट से जी। तो कितने रुपए में पहुंचा दोगे घर? 25,000 रुपए में पहुंचा देंगे। 25,000 रुपए में किसान भाई के घर तक? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ऐसा है कि वो बहुत दूर का है, जब भी 25,000 रुपए में पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत ना। 25,000 रुपए में पहुंचा दोगे? 25 में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरे भारत में? पूरे भारत में 25 में। और बताओ जी। और तो किसान भाइयों देख सकते हैं, यदि मेरा कोई भी किसान पूरे भारत में से कहीं भी मंगाना चाहता है तो 25,000 रुपए में वो इसे मंगवा सकता है। कैसे कैसे मंगवा सकता है, उसका थोड़ा प्रोसेस बता दो। शुरू में 10,000 रुपए लेंगे जी, बुकिंग के 15,000 तब देनी है जब आपके यहाँ आए, मशीन पहुंच जाए ट्रांसपोर्ट में जी। ट्रांसपोर्ट वाला फोन करेगा, भाई मशीन आ गई, ये अपनी ट्रोली आ गई, चेक कर लो। चेक करने के बाद पैसे डाल दो और ले जाओ बस जी, चलाओ दबा के, चलाओ जितना चल रही है, टेंशन फ्री जी। स्कूटी पे चलाओ, बाइक पे चलाओ, हीरो होंडा पे चलाओ, बुलेट पे चलाओ, स्प्लेंडर पे चलाओ, कहीं भी चलाओ, सब कहीं भी चलेगी, दौड़ेगी, चलेगी, दौड़ेगी, दौड़ेगी जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप जो है, जैसे आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिसमें ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली दिखाई गई होगी, लेकिन इसमें आपको बाइक के पीछे ट्रॉली दिखाई गई है। क्या क्या यह काम करती है और कैसे काम करती है, सभी के बारे में विकास भाई ने जानकारी दी है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।